First time you cooked for me? कपड़े शूज वूज मतलब जो भी कुछ सोच सको, जो भी वस्तु आप धारण कर सकते हैं, सब आपने चुराए हैं। तो पहली क्या चीज है? सब चुराए, मेरे आपने दिल चुराए। सो रही है या बातें कर रही है किसी से, खा पी रही है, कभी भी एक बार इज्जत नहीं पड़ रही है, तो मैं चुपचाप वहाँ दहशत वाला चेहरा लेके चली जाती हूँ। The first time that I cooked something for you. First time you cooked for me? I think Golu ne cake banaya tha aur cake bhi na ये तो एफर्ट मारा ऊपर से नहीं है। हाँ हाँ नहीं मतलब कोशिश करती है। मैंने देखा गाइस केक बहुत कड़क था, कड़ा था, खाने लायक नहीं था। मैंने लिटरली आई स्वेयर मैंने एक बार क्रियो जाके फिर डस्टबिन में फेंके, स्कूल में खाया। दैट इज बिकॉज़ शी हैज शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, फ्लावर फ्री, सम फ्री, तो फिर कुछ इतना फ्री होगा नहीं। वही चाहिएगा नहीं, वही केक जब दीदी बनाती है तो बहुत टेस्टी होता है। और बोलू सेम रेसिपी लेती है और कुछ और बनाती है। The first time that you stabbed me. Nepal. Nepal ki swimming pool. Shangri-La Hotel mein. Hum log swimming kar rahe hain. Aur main swim aur ekdam edge mein. Aisa nahi ki pani hai beach mein. Swimming kar rahe hain, ekdam se peeche se mera pair padh rahe hain, usko dubane lage. बाहर निकली मैंने उसका चेहरा देखा और मारा। और ये सब मम्मी दूर से ना हैंडीकैम कैमरे से रिकॉर्ड करते थे। उन्होंने देखा बच्चे एक दूसरे को थप्पड़ वप्पड़ मार रहे। आगे मम्मी ने रोका नहीं, मम्मी रिकॉर्डिंग चालू। सो दैट वाज माय फर्स्ट एंड ओनली थप्पड़ टू बोलू। द फर्स्ट टाइम यू गिफ्टेड मी समथिंग। गिफ्ट गिफ्ट ऑफ लव, आशीर्वाद दिया मेरा प्यार वस्तु में उसको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, संस्कृति दी है, परिक्रमा दी है, सब दिया है। फर्स्ट टाइम अगर मैंने कुछ आपकी चीज चुराई, ये तो सबसे पहले आ जाओ। कपड़े जूते मेकअप मतलब जो मिले सब उठा लो भाई, सब कुछ नहीं है, देयर इज नो लिमिट। जो भी कुछ सोच सको, जो भी वस्तु आप धारण कर सकते हैं, उस सब आपने चुराए हैं। तो पहली क्या चीज है? सब चुराए, मेरे आपने दिल चुराए। फर्स्ट ट्रिप दैट वी एवर टुक टुगेदर, मैं और गुरु गए थे नॉर्वे इन 2014-15 और समथिंग लाइक दैट। तो हम नॉर्वे गए थे और बहुत मज़ा आया था। हम स्वीडन गए थे एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरु एंड आई ट्रैवल टुगेदर। अच्छा दीदी, फर्स्ट टाइम जब आपको ऐसा लगा कि यू आर रियली प्राउड ऑफ मी, सो जेन्युइनली कुछ बोल रहे ना? इसके सामने मैं नहीं बोल सकती, इसकी बड़ाई मेरे को एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा मैं चली जाऊँ, मैं चली गई, चली गई है ना, एक बार जा रही है। सो गाइस गोलू ने कही है कि मैं इसकी थोड़ी बड़ाई करूं, पर बहुत मुश्किल होगा, बट ये बाद में देखेगी, वो तो मैं बोल ही देती हूँ उसके बारे में एक दो अच्छी चीज़ झाँकना नहीं है। सो गोलू यार मेरी छोटी बहन है, शी इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, शी इज़ लाइक यू नो हाउ यू से कि आपके आई कॉन्ट से ओनली, इट्स लाइक इट्स मी। मुक्ति एंड आई हैव ऑलवेज बीन टुगेदर, बीन वन पर्सन ऑल आर लाइफ एंड आई लव हर डियरली, बट आई डोंट से ऑल दिस टू हर, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे सर पर बैठी रहती है और अभी भी देख रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट आई लव हर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर जर्नी एंड हाउ शी ऑलवेज लाइट्स अप, शी ऑलवेज कीप स्माइलिंग, शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग जॉय टू एवरी वन। एंड कभी भी ऐसा नहीं होगा दैट आई वेक अप एंड आई से
see her not smiling. So that's the most beautiful quality in her. And बाकी वो मुझे irritate बहुत कर रही है वो अलग बात है, but that's part of being sisters. So but अगर the first time that you really got scared, जो हमने साथ में किया जो आपको बहुत डर लगा, इसने मुझे बचपन में बहुत डराया. मतलब ये घंटों घंटों ना ऐसे छत पे खड़े होकर ऐसे झांकती रहती थी और मैं ऐसे बहुत देर तक ऐसे देखती थी. और मतलब जेन्युइनली शी हैज मेड माय लाइफ अ नाइटमेयर, क्योंकि उसने मुझे बचपन में जो हार्ट अटैक दिलाए गोलू नॉट फेयर. मतलब एकदम ऐसे ऐसे वो नहीं होता रिंग का बच्चा जो ऐसे साइड में खड़ा रहता है एक आंख बिखरी है अंधेरे में खड़ा, ऐसे किया यार इसने गोलू. गाइस नॉट डन इन माय डिफेंस, ये ना कोई रिएक्शन नहीं देती थी लाइफ में. मतलब कुछ भी होता रहती थी तो कहती क्या है दीदी ये कैसा है, क्या है दीदी ये अच्छा है कि नहीं है, क्या है. मतलब कुछ भी कुछ एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन होता था. मुझे ना मैं उनको कुछ तो डरा दूँ कुछ तो कर दूँ सो दैट शी गिव्स मी सम रिएक्शन. ओके फर्स्ट ऑफ मेनी का आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ऑफ मेनी एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी 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 शूट्स दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड. एंड मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यू आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी बट आई लव वो लोग क्या कर रही है बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड आई लव यू एंड आई लव यू एंड एवरीवन नोज दैट हाउ इंस्पायरिंग यू आर हाउ अमेजिंग हाउ एफर्टलेस यू आर. सी एवरीवन इज सॉरी बिकॉज यू नो राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो एंड शूट बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वॉचिंग आर एपिसोड ऑफ फर्स्ट ऑफ मेनी विद शक्ति मोहन माई चिक दीदी. एंड गाइज अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आई एम श्योर यू हैव लव्ड इट, सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू मुक्ति मांचन, गिव हर अ लॉट ऑफ लव एंड विजिट हर स्टूडियो एंड साइन अप फॉर ड्रामेटरी कोर्सेज बिकॉज शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. इफ यू आर नॉट साइनिंग अप आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. आई लव यू गाइज, यू नो व्हाट टू डू, लव यू.